हर गाली माँ के नाम से शुरू होती है और बहन पर खत्म। आखिर ऐसा क्यों? आज भी एक माँ के दिल की पुकार कह रही है, एक माँ के दिल का दर्द कह रहा है कि समाज ने दिए दर्द के सहारे जी रही हूं मैं, जिसको मैंने जन्म दिया उसी से गालियां खा रही हूं, भरे बाजार में आबरू लूट रही है मेरी, मेरा क्या कसूर है, मैंने तुम्हें जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैंने 2010 में लिखी हुई थी अपने ब्लॉग पे, वहां पे काफी कमेंट्स हमें मिले थे। सोचने वाली बात है कि माँ ने आपसे कभी कुछ मांगा नहीं, बल्कि अपनी सारी ममता आप पर न्योछावर। आपने उसे क्या दिया? चंद गंदे शब्द। जी हाँ दोस्तों, चंद गंदे शब्द का इस्तेमाल आप बार बार करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आपका अगर किसी से झगड़ा होता है तो उसमें माँ का क्या कसूर है? क्यों माँ के नाम को वहां पर घसीटते हो? क्यों कहते हो? मैंने बहुत जगह पे देखा है, जब झगड़ा होता है तब एक दूसरे को बहुत सारे लोग कहते हैं तेरे माँ। क्यों भैया? क्या माँ उसी की है? तुम्हारी माँ नहीं है? माँ तो माँ होती है, चाहे वो सामने वाले की हो या फिर खुद की। माँ माँ होती है। मत दीजिए ये गंदी गालियां, बंद कीजिए समाज के इस दूषण को और शुरुआत इसकी आपसे कीजिए। जी दोस्तों, ये जो गंदे शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग रहते हैं ना, अगर उनके सोशल मीडिया के अकाउंट पे हम जाते हैं तो सिर्फ मदर्स डे को ही मदर्स डे मानते हैं। मदर्स डे के दिन वो लंबी लंबी पोस्ट लिखते हैं, मानो वो माँ की बहुत इज्जत करते हैं, मगर वास्तविकता कुछ अलग है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ लंबी लंबी और अच्छी पोस्ट डालने से माँ की इज्जत नहीं बढ़ेगी, बल्कि माँ की इज्जत तब बढ़ेगी जब आप माँ के नाम से शुरू होने वाले ये गंदे शब्द बोलना बंद करो। याद रखना, माँ आपकी भी है और सामने वाले माँ माँ होती है, माँ में कोई फर्क नहीं होता। किसी भी माँ को देख लो आप, वो ममता से भरी हुई है, अपने बच्चों के लिए वो सारे दुख दर्द सब भूल जाती है और पूरी ममता उस पे न्योछावर है। याद रखो, समाज ने दिए हुए दर्द के सहारे जी रही हूं मैं, जिसको मैंने जन्म दिया उसी से गालियां खा रही हूं मैं, बड़े बाजार में आबरू लूट रही है मेरी, मेरा कसूर क्या है, मैंने तुम्हें जन्म दिया। दोस्तों इसकी शुरुआत आपसे कीजिएगा। लंबी लंबी पोस्ट लिखने से कुछ बदलने वाला नहीं है, बस इसकी शुरुआत। याद रखना, मदर्स डे साल में एक बार आता है, मगर वास्तविकता में मदर्स डे रोज रहता है। जाइए अपनी माँ के पास, उसे कहिए, उसके पास बैठिए, उसे कहिए कि माँ आज से मैं कभी किसी को गाली नहीं दूंगा। वादा रहा दोस्त, माँ उठकर आपको गलेगा। आइए बदलते हैं समाज के इस दूषण से, लड़ते हैं और बंद करवाते हैं गंदी गालियां जो माँ के नाम से शुरू होती है और बहन पर खत्म। माँ और बहन चाहे किसी की भी हो, वो माँ और बहन है। तो कीजिए शुरुआत, मैंने तो शुरुआत कर दी है, बारी आपकी है। कीजिए बंद ये दूषण को और बनाए स्वच्छ तंदुरुस्त और एक संस्कार भरा समाज। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो में जो भी कॉमेंट करेगा, जो भी सब्सक्राइब करेगा, उसे देंगे हम एक सरप्राइज गिफ्ट। जिसकी कमेंट अच्छी रहेगी, हम कमेंट्स में से चुनेंगे, जिसकी कमेंट अच्छी रहेगी उसी को मिलेगा ये सरप्राइज गिफ्ट। तो करते हैं शुरुआत गंदी गालियों के खिलाफ लड़ने की आवाज उठाने। तो कौन कौन है मेरे साथ? वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप मेरे साथ है या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी एक टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद।